हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और मैं उठ गई हूँ सुबह। आज थोड़ा सा लेट उठी, आज असनैन की स्कूल की छुट्टी भी थी, आज मैं फिर 10 बजे उठी, फिर सो गई थोड़ा सा, फिर अभी उठ गई, पानी वानी भर ली, सब हो गया। और यहाँ मैं मशीन लगा के रखी हूँ अपनी, और यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। बाहर देखो पानी भर के रखी हूँ अभी कपड़ा को वॉश करने के लिए। असनैन तो सो रहा, बज रहे घड़ी में पूरे 11:30 और असनैन सो रहा है। और आते बैठू तो मेरा उठ गया, पर पता अल्लाह जाने पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे की आंख में। मैंने भी अभी देखी, पूरी लाल लाल हो गई आंख, ऐसी छोटी सी हो गई है और बंद हो गई, पूरी छिपड़े आ गए आंख में, पता नहीं कैसे हो गया मेरे बच्चे को। ये देखो बेटा को, तो मैं काम वाम कर रही हूँ, जस्ट अभी नाश्ता वास्ता करी वरी, असनैन के पापा भी चले गए काम पे। क्या हो गया मेरे बच्चे को? आओ आओ आ जाओ मेरा बेटा, मेरी जान को क्या हो गया है? देखो देखो, हाँ क्या हुआ मेरे बेटे को? अच्छा मैं इसको उठा के बिठाती हूँ। ये देखो यार, यहाँ पे तो खुली नहीं रही थी, रो रहा था ऐसे मसल मसल के रो रहा। मैं बोली क्या हो गया, फिर मैं देखी तो मैं बोली फिर पानी से उसको धोई तब जाके थोड़ी आँख खुली है। क्या हो गया मेरे बट्टू को, ये आँख में क्या हो गया? हाँ कोई मारा है तुमको? हाँ कौन मारा बेटा? करना ये पाइप लेके खेल रहा था तो इसने एक बार ऐसे चुबाया था, तो फिर ऐसे मसाले लगे तो मैं इसे छीन ली थी। मैंने बोली बेटा ये सबसे मत खेलो, वो जो स्ट्रो आता है ना जूस पीने वाला पतला सा, उसने इसे कल कोचा था ऐसे करके, तो तभी मैंने इसको छीन कर फेंक दी थी। मुझे नहीं मालूम था ये ऐसा हो जाएगा। मैं अभी काम करके जाके मैं बच्चे की दवा लेकर आती हूँ। अभी उठा नाश्ता भी नहीं किया, असनैन तो सो रहा है। आ जाओ मेरा बेटा, ओ मेरी जान सुनो ना, ओ मेरी जान, तुमने कल अपने हाथ में पाइप मारे थे ना, वो जूस पीने वाला स्ट्रो वही मारे थे तुमने, तभी ऐसे हुआ? हाँ बेटा, हाँ राजा मेरा। हाँ। तुमको दुख रहा है क्या? दुख रहा है क्या? पीपी कर ले। ठीक है ठीक है, चलो चलो अभी मैं जा रही, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा खंगालती हूँ, अभी बहुत धोने का है, धो बोलू इसको, पहले नाश्ता करवा दूँ फिर लेके जाऊंगी मेरे बच्चे को। होगा आँख का मसला, मेरे को ऐसा लगा कि खेल खेल में ना इसने वो स्ट्रो को हल्का सा आँख पे टच किया था, तभी मैंने स्ट्रो लेकर फेंकी थी। अब उसके वजह से हुआ है या और क्या बात है, देखते हैं अभी। खैर देखो देखो कहाँ जा रहा है, इधर आओ आतिफ, मऊ कम। ये देखो मेरा बेटा है, अच्छा बच्चा है, मेरी सारी बातें सुनता है मेरा बेटा, कुछ ना कुछ लेके घूमते ही रहता है ये। तो यहाँ मेरा असनैन बेटा भी उड़ गए हैं, है ना? और हम सुबह सुबह खा रहे हैं, सुबह नहीं हो रही है, 12 बज रहे हैं। तो हमारे गली में आई थी आइसक्रीम बिकने के लिए, तो हमने ले ली आइसक्रीम, मैंने ली हूँ पिस्ता, आतिफ ने लिया है डार्क ऑरेंज, अच्छा है ना बेटू? और ये मेरे असनैन का भी है डार्क ऑरेंज, है ना? मजा आ गया। हमारे गली में बहुत सारी चीजें बिकने आती है, क्योंकि मैं रोड साइड में हूँ ना अभी, थोड़ा सा तो गली में ही हूँ, पर बहुत सारी चीजें बिकने आती है, तो हम कुछ ना कुछ लेकर खाते रहते हैं। देखिए तुम्हारी आइसक्रीम दिखा दो। हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम पार्टी, ये। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? ए देखो मेरे बेटे, देखो ध्यान दे रहा हूँ, पैसा है? नहीं नहीं पैसा वो हाथ में, ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, और हम पी रहे हैं कॉफी, कॉफी कॉफी पी रहे, कॉफी पार्टी। असनैन क्या कर लो तुम? असनैन भजिया चले जा रहे हैं। और क्या हुआ, तो गुलाम भाई भी आए है और यहाँ गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
हम लोग काम करते हैं, छुट्टी हो गई है, थोड़ा आज कॉफी पार्टी थी, कॉफी पी चुके हैं, बैठे हैं। और छोटू भाई तो बाद फिर बात मचा दिया, कॉफी पिए हैं, मजा आ रहा है। आज आप लोग को कॉफी में नहीं बुलाया, सॉरी। क्या बोला? छोटू भाई आज दोपहर बाद मचाए, छुट्टी की है, काम ही नहीं जाती ना। अरे जिधर वसीम जाता उधर काम ही खत्म हो जाता। तो क्या नहीं होता था, पोटले वाले तो सलाम बोलो, अभी अच्छे से करो, सलाम करो, आस्ते बोलो बेटा, आस्ते बोलो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, शर्म आ गई। तो गाइस, जो हमारे घर में आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी वो हमारे आतिफ भाई को भी हो गई है। जरा दिखाओ यार उनके तरफ, आगे दिखाओ, एकदम नेपाली बन गया ये, चाइना का माल, चाइना का माल। आप तो बड़ा बोल भी रहा है। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं वापस से, क्या हो गया सबाना? कुछ नहीं, जॉगिंग मामू जा रहे हैं, सबाना के भाई आए हुए, तो तुम्हारी मुमानी इंतजार कर रही है। बैठा हुआ है, हसनैन को बोल देना कि मामू को भेज दो। जॉर्डन भाई और क्या जाते हैं उधर, मैं इधर रुक जाता हूं। सबाना के भाई को सलाम नहीं आता क्या? अस्सलाम वालेकुम। देखो ये क्या ला के दे रहा है, देखो उसको बड़ा फास्ट सर्विस क्या। देखो चलो चलो चलो, इनको रवाना के आदाब सुनाते हैं, तो उसके बाद में कुछ चलते हैं साथ। चलो भाई, चलो जॉर्डन भाई, चलो सबाना हम आते छोड़ के, भाई को छोड़ के मतलब। चलो वसीम भाई, अभी का घर तुम्हारा बहुत अच्छा है, अच्छा ना? अभी का घर तुम्हारा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, फूट माला भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सीढ़ी छोड़ी हुई है। और आज छोटू भाई से बड़े दिन के बाद मुलाकात हो गई है। तुम ही भूल गए भाई हमको? नहीं भूले नहीं है, आप ही बिजी है। मैं तो कई बार आया हूँ, आप आए नहीं। ए, सबाना मैंने इत्तेफाक सीढ़ी चढ़ने का घंटा लगा है, इसलिए आने जाने चलो, तो साइड पे सीढ़ी चढ़ो, फिर घर पे आगे घर की सीढ़ी चढ़ो। अभी नीचे तो चलो, सलाम चलो, हम जा रहे हैं, चलो नेपाली, चलो सब आना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हम किधर चढ़े हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, सलाम करके सुबह ना, सुबह सुबह तो सलाम कर देने का। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हो गया, सलाम कर दिया? कंटिन्यू कर रहे हो, दो दो बार सलाम हो जाएगी ना, तो क्या हुआ, चलेगा। तो आज हम चढ़े हैं हमारे कोट वाले पे, ये देखो कितना पसारा है भाई, अब यही सब जा रहे हैं आज हम सेटिंग करने, क्योंकि आज है चांदरा का रब्बन आदमी। मेरे बच्चे की आंख को देखो, तो ठीक है गाइस, तो हम अभी कर रहे हैं सेटिंग, यहाँ चालू अभी तुझा चप्पल सेट करते रहो, पप्पा दे बोल रहे हैं, ठीक है। और हसनैन मेरा इधर बैठा है, हसनैन तुम नीचे बैठे रहो, जाओ जाओ नीचे खेलो आराम से, हाँ जाओ नीचे, जाओ नीचे जाओ, जब मैं बुलाऊं तो कुत्ता बाहर अभी साफ कर, फटाफट साफ कर दो, उसके बाद में देखते। तो यहाँ अभी पलंग की सेटिंग चालू हो गई है, ये देखो इसी, ये सब मेरे शादी के बर्तन है, ये पूरे कांच के बर्तन इसमें पूरे भरे हुए, और ये मेरे शादी का बैग, इसमें सब कपड़े वगैरह है, ये देखो ये देखो, और ये मेरे खिलौना, मेरा खिलौना बॉक्स वहां साइड में रख दो, ये साइड में लगा दो इधर, ये देखो इनको साइड कैसे मिला था, ये बर्तन का सेट, और ये मेरे ब्लैक बर्तन, हाँ मुझे ये बर्तन रमजान में ही मिला था नासन के अब्बा, हाँ आराम से, हाँ आराम से निकालो, नहीं जाएगा सिंह का अब्बा, पकड़ो जालिया के, चलो हो गया, ये है मेरे शादी का बैग, क्या बोले बस अभी देखती हूँ, रुको। तो हमारा पलंग में सारा का सारा सामान चला गया, यहाँ सेट हो गया है,
ये देखो माशाल्लाह बहुत बड़ा है कोड माला। देखो पलंग इतना आने के बाद में भी, मेरा डबल बेड का पलंग है ये, इतना आने के बाद में भी माशाल्लाह इतनी ही सारी जगह बची है अभी पूरा। ये नीचे से भी तीन लोग आराम से, पतले पतले चार लोग सो सकते हैं आराम से, मोटे रहेंगे तो तीन लोग। तो गाइस हमारा फाइनली मस्त एकदम सेटिंग हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो मेरे बटले को, ये देखो अभी कहाँ पूरी पूरी मस्त जगह झाड़ू वाड़ू मार के कट्टू क्लियर कर दिया अभी, अब सिर्फ गद्दा लगाओ है ना बस। और देखो इन लोग को कैसा बैठे आराम से। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, अब हमारा काम हो गया है, अब सिर्फ पंखा लगाओ गद्दा लगाओ सो। ऊपर की फाइनली पूरी सफाई अच्छे से मस्त हो गई, अब बस एक पंखा लगाने का है और गद्दा लेने का है। अब जब गद्दा पंखा लेंगे तब ऊपर देखेंगे, ऊपर का, ऊपर का समझो कुछ भी नहीं करने का है, सब कुछ सेट हो गया। पर्दा अभी लगाऊंगी बाद में पर्दे, अब ऊपर तो कुछ सोना होना है नहीं, बाकी जो बिखरा पड़ा था उसको सिर्फ हमने सेट कर दिए बस है ना। अब नीचे का जो है जो अभी झाड़ू वाड़ू मारना बस वही है, बस ये घर का है थोड़ा सा अभी साफ सफाई, बिस्तर वगैरह सब अभी बाकी है, इसको अच्छे से सेट कर देंगे, पूरा घर साफ क्लियर। हसन कब्बा। तो फाइनली गाइस मेरा पूरा घर सेटिंग हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक सब सेटिंग एकदम कंफर्टेबल है सब ना, एकदम मस्त हो गया ना अभी सब। ये देखो अभी यहाँ पे सिर्फ सामान रख दिए बस, बाकी पूरा सेट हो गया, अब कुछ नहीं करना है मेरे घर में, अब सिर्फ गद्दा डालो और सो दबा के। हाँ सबाना गद्दा डालो सो आराम से, एकदम मस्त हो गया। उसको कितना बल बल आ रहा है, मैं आते हैं क्या करो बेटा, सलाम वलाम करोगे? देखो जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा डाल दिया, चलो ठीक है कोई बात। तो गाइस अभी हमारा इधर पूरा हो चुका है, अभी सबाना जाते चावल बनाने, फिर खाना पीना खा के। हाँ तो ये थोड़ी सी दाल, हाँ तो रखो ना, बना लेना कुछ भी, खत्म कर देना बना बना के, छान लेना उसको, क्या होता है कीड़े लग जाते हैं, भिगा के रख सब। जो सामान लेने का है ना अभी भिगा के रखी कि सब निकल जाएगी, ऐसी थोड़ा थोड़ा लेने का, सेवई है सेवई। चलो ठीक है के मामी, मामी नहीं चलो ठीक है, एक साल हो गया, एक साल हो गया। अरे हाँ चल कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस आज का कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना, एकदम मस्त बना दिया ना मैंने आज, एकदम टेंशन फ्री वाला। क्या बता दी सवाल? अरे जो मेरे बाजी ने चावल नहीं भेजे थे क्या, इसको खोल दिया इसलिए क्योंकि ना इसमें पता नहीं कैसे कीड़े लगने लग गए। अच्छा। मैं सोच रही थी कि कभी कुछ अच्छा बनाऊंगी तो यूज करूंगी, पर जब खोली ना देखी तो इसमें ना कीड़े लग रहा है, ऐसे नहीं दिखते, जब धोती हूँ ना तो सफेद सफेद कीड़े ऊपर दिखते हैं। तो धो के बनाया करो ना अच्छे से, धोती हूँ इसलिए तो अभी बना दे, बना के खत्म करो और क्या, वही ना ठीक है। मम्मी चाओ, मम्मा तो कुछ नहीं हुआ, चलो आओ यहाँ, समझ नहीं आता इतना पैकिंग चावल, अब सिर्फ फ्रिज साफ करने का। हाँ इतना पैकिंग चावल में कीड़े कैसे लगे रहेंगे, लग जाते हैं, ठंडी है, ठंडी से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैं देख रही नहीं दिख रहा है, पर जब धोती ना तो इतने छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट जैसे बाहर आते सर, चलता है। चलो ठीक है फटाफट बनाओ, देखिए हाँ अरे ये देखो ये सब भुनकी है, भुनकी है ना, वो आ जाता था, मैं रखी थी, मैं बोली कभी कुछ काम में आएगा, पुलाव बिरयानी बनाने के लिए रखी थी, मैं बोली उस दिन मीठा चावल बनाई ना, मैं बोली आज इससे ही बनाती मीठा चावल, तभी से देखी मैं बोली तुम्हें फिर यूज करने लगे घर में भी। चलो ठीक है फटाफट यूज करो, खत्म करो और क्या, अभी दूसरी थैली और है अभी। तो गाइस सबाना क्या करने जा रही है, देखो रे देखो इस पागल औरत को क्या कर रही थी मोटी। अरे अभी जो थोड़ा बहुत सामान लेने का है ना, कांदा बटाटा मसाला वगैरह, तो जा रही है भाभी जा रहे ना, तो उनके साथ में जा रही हूँ, मसाला वसाला थोड़ा बहुत लेके आती हूँ, तो कुछ पैसे जमाई थी। तो भाभी से क्या मंगाई तूने? भाभी से तेल मंगाई हूँ। अच्छा उनसे बोली बस कर, बस क्या पोटी रख दे, कैसी रख दे, रख दे इतना सारा कितना जमा की, देखो ना अभी गिन के बताती हूँ, अभी मेरे को कांदा बटाटा मसाला सब लेकर आऊंगा, क्योंकि ये जा रहे थे ना, ये बोले क्या चलेंगे तो लेकर आते, तो मैं भी चलो फिर लेकर आती, 100 200
मैं इसको तोड़ने वाली नहीं थी, सोची थी इसको ना मतलब सेफ करूंगी थोड़ा सा, पर अभी नहीं हो रहा है अभी सेफ। अभी क्या इनकी भी दो दिन की छुट्टी हो गई, कल भी रोजा रहेंगे, कल भी छुट्टी कर लेंगे। हाँ तो अभी कांदा बटाटा अदरक लहसुन ये थोड़ा मैंने ये लेकर आ जाती हूँ जाके बस। और पैसा सब बचा तो 1 किलो बेसन लेने का है मेरे को, और चना वना तो देखूंगी। अब चना वना तो ज्यादा खाते नहीं है वैसे तो, अभी तो जब तक का ये डिलीवरी नहीं होती, जब तक का बनाई नहीं होती, उसके बाद में एक बार डिलीवरी हो गई तो फिर नसीब से जो वसीम बनाएगा वही खाने मिलेगा ना सब। और इंशाल्लाह जब तक डिलीवरी नहीं होती है, जितना रोजा मिलेगा इंशाल्लाह रखने जैसा हुआ, मेरे को हिम्मत हुई कि हाँ मैं रख सकती तो इंशाल्लाह जरूर रखूंगी। तो चलो 800 रुपये है, अब जाके भरवा लेती हूँ। मैं कल रात में सोनी ना, लहसुन तो ऑलरेडी इतना महंगा चल रहा है, बोलते और महंगा हो गया। अदरक क्या 60 रुपया पाओ, मिर्ची 30 रुपया 40 रुपया पाओ, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ, क्योंकि भाभी जा रहे साथ भी है तो ले लूंगी जाके। तो गाइस हमारा जैसे काम वाम सब हो गया, और मैं यहाँ चढ़ा दी हूँ चावल अभी पकने के लिए। चावल अभी यहाँ देखो बन रहा है, पूरा गैस वैस साफ उफ कर दी सब मस्त अच्छे से। और मेरे गल्ले में बताओ क्या लिख के रखी थी मैंने, ये देखो सेविंग लिखी थी इस पे, सेविंग के बाजार वजार लेकर सब कुछ, मतलब जब पैसा बचता था ना उसमें से, तो मैं 100 रुपया 100 रुपये बराबर डेली का निकाल रही थी, तो इस पे लिख कर रखी थी ये सेविंग गल्ला है। घर में जैसे कुछ राशन भराना हो या कुछ काम पड़े तो ये सेविंग गल्ले से निकालूंगी। तो अभी आज पड़ गया काम तो मैं चलो निकाल लेती हूँ, है ना। अभी राशन वाशन का कैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लूंगी, जैसे दाल और चावल वगैरह ये सब लेने का है मेरे को भी, वो अभी थोड़ा रुसा रुक कर लूंगी, अभी जरा धीरे धीरे करके वो भी ले लूंगी। अभी क्या हुआ, शुरू कर दिया? अरे बच्चा ऐसे घर साफ करो ना, ऐसे घर बच्चे गंदा करने लग जाते हैं। तो हे गाइस मैं दोपहर में थोड़ा सा खाना पीना खा के सो गई थी, और अब जा रही हूँ बाजार लेकर आती हूँ फटाफट। और हसन तो चला गया ट्यूशन, इन्होंने मुझे उठाए भी नहीं, मैं बोली थी मुझे उठा देना तो ये उठाए भी नहीं, और थोड़ा लेट भी हो गया, 6:30 हो गया पता है। अब जा रही हूँ सात नंबर जा रही हूँ, 7 नंबर से मैं बाजार वगैरह लेकर आऊंगी, कितना टाइम हो जाएगा, फिर इनको तराबी भी जाने का है, तो फटाफट जाती हूँ लेकर आती हूँ बाजार, क्योंकि अभी गोश्त वोश लूंगी क्योंकि बहुत फिर टाइम हो जाएगा। और हसन के पापा गए थे दोपहर में भाई के घर पे, तो अनिजा पापा ने हम लोग के लिए देखो कुछ भेजे है, माशाल्लाह आबे जमजम का पानी, खजूर और तस्बी, ये देखो मस्त उसमें मेरा नाम भी तस्बी बोलते, तस्बी तस्वीर नहीं तस्बी बोलते, तस्वीर नहीं बोलते, मैं तस्वीर नहीं बोला तस्वीर बोला। हाँ जो भी है, तो देखो इसपे मेरा नाम भी लिखा है, तो ये ओनिजापा की तरफ से आया है, वो उमरा करने गए थे ना तो उन्होंने भेजे है माशाल्लाह। कल का रोजा इंशाल्लाह इसी खजूर से खोलेंगे हम, है ना सुन के बा। ऐसे तो मैं लेकर आऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि कल का पहला रोजा मैं इसी में से निकाल के खोलूंगी, मदीने की खजूर खाकर खोलूंगी रोजा माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। चलो मैं जाती हूँ गाइस फटाफट, बहुत देखो अबे दिखा वो मैं घड़ी दिखा रही थी, चलो ये बिगड़ चल चलो ठीक है। तो मतलब हो गया 6:35 हो गया, मैं जाके फटाफट पहले बाजार लाती हूँ, अभी तक चांद नहीं दिखाया है, तो कैसे बोले रहे नहीं, मौलाना साहब ने जब एग्री नहीं किए, क्योंकि कभी चांद नहीं दिखता तो ऐलान भी हो जाता है ना, अलाउंस भी हो जाता है ऐसे। तो सऊदी का माशाल्लाह पहला रोजा है सऊदीया में बाहर साइड, तो यहाँ तो चांद दिखे या नहीं दिखे तो भी कल की सैरी तो है हमारी, मतलब ऐसे ही। चलो मैं बात करूंगी तो बहुत सारी बातें करती हूँ यार, मैं जाकर आती हूँ पहले फटाफट, और यहाँ से मैं पैदल जाऊंगी आने के टाइम पे, फिर रिक्शे से आऊंगी सामान वामान लेकर, तो मुझे मैं क्या है बदक की तरह चलूंगी ऐसा हिल हिल के ऐसा, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा जा रही हूँ।
हमारी मोटी आ चुकी है, सामान लेके सब थक गई बेचारी। बहुत गिरा थक गई। इसी मजीब छोड़ो, इतनी ट्रैफिक हो गई है तो रिक्शा घुमा के मैं बोली भाई यहाँ तक छोड़ो, उसमें भी नहीं आ रहा था, बोलता रास्ता खराब है। मैं रिक्शा लेके बोली सिर्फ तुम्हारे भी दिख रहेगा रिश्ता खराब, ये रिक्शा का ये रास्ता खराब है, लेके चलना भाई, देख रहा क्या हालत इतनी थैली ली उस। तो बोलता ठीक है चल। तो क्या क्या लिखाएंगे? टमाटर, मिर्ची, संतरा। तो सबसे पहले तो ली मैंने 2 किलो कांदा, और मेरा अंदर से दिल गवारा नहीं कर रहा है कि ये 2 किलो कांदा सुन के, क्योंकि मैं कांदा वजन करवाई। हाँ मैं बोली भाई 2 किलो दे दो, और बटाटा लेने लग गई, बटाटा ली बोले भाई मेरी कांदे की थैली, तो बोलता ये है, बोले भाई 2 किलो है, बोलता हाँ 2 किलो है। अब उतने भीड़ में मैं क्या बोलूँ, मेरा दिल ही नहीं मान रहा है 2 किलो है या नहीं। 60 रूपए का कांदा है सुन के फटाफट बताओ। और 1 किलो बटाटा, 1/2 किलो लहसुन ली मैंने, क्या बोलते हैं 60 रूपए का, 1/2 किलो अदरक ली 80 रूपए का, और 1 किलो टमाटर 30 रूपए का, 20 रूपए की ककड़ी, और 10 की कोथमीर, 30 रूपए की मिर्ची 1/2 किलो, और 10 की पुदीना, और ये गोश्त ली, और एक मैंने मिर्ची काटने कांदे काटने वाला कटर दिखा ना, तो मैंने वो एक कटर ली। देखो ये रहता ना ऐसा खचक खचक खचक, देखो कुछ भी कांदा वांदा का काटना कर रहेगा ना, ऐसा कटेगा। अरे बाप रे, बच्चा मेरा हाथ लगा देगा। अल्लाह नहीं नहीं नहीं, बस अब इतना पूरा सामान कितने का होता है दिखाती हूँ। 800 रूपये लेके गई थी ना, और देखो ये बच्चों के लिए 3 चड्डी लेकर आई, 10-10 रूपए की, छोटी छोटी थी ना, नहीं ली जाती इसलिए, तो मैंने 3 मेरे को बड़ी मिली तो 3 मैंने ले ली, 10-10 रूपए की चड्डी ले ली घर में ऐसी पहनने के लिए बच्चों को। मैंने 800 लेके गई थी, 800 में से कितना बचा के लाई, पूरा सिलंग 200 रूपये, 1 रूपया भी ऊपर नहीं है, और मैंने वहां से 1 रूपये का भी कुछ भी चीज ही नहीं खाई। 600 का सामान लाया, 600 रूपये, 700-800, 200 रूपये बचा। अब जा रही हूँ बेसन लेंगी, बेसन लेकर आऊंगी, और सूखे मसाले वसाले भी क्या है क्या नहीं अभी सालन बनाने के लिए वो सब लेकर आऊंगी। तो ये देखो हमारी 600 रूपये की बाजार। यहाँ सवाने की तैयारी चालू एकदम जोरों शोरों में, सहरी की यहाँ सवाना, सहरी की खाने की साथ में कर रहा नहीं, फिर मत हो रही बना दिए, मेरी मोटे से हो रहा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बेल बेल के बना दिए यहाँ से, है ना सवाना। हाँ सहरी में सोची थी बना दूंगी उठ के, पर नहीं हो पाएगा यार, फिर उठो फिर अभी साथ ही बना दूंगी, चलो गर्म करके खा लेंगे। चलो ठीक है ठीक है, फटाफट बनाओ, मेरा कीमा दिखाओ, कीमा मैंने बनाई आज, मेरी औरत ने क्या मस्त कीमा बनाई, ये रहा कीमा, वो मटन का कीमा, दाल चावल रोटी। चलो ठीक है, और ये मेरे दोनों बच्चे तो भाई एकदम पेड़ भगा ले। हसनैन के अब्बा बोले एक रोटी मैं बेलता हूँ। वाह वाह वाह, क्या रोटी बेला हसनैन के अब्बा, तुम्हारा कलर का ब्रश नहीं है ऐसा 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 सुन के अब्बा, ऐसा मेरे को डिलीवरी में तुम पका के खिलाएंगे? हाँ ऐसी रोटी बना के खिलाएंगे, क्या बोल रहे थे, मैं तेरे को डिलीवरी में तेरे लिए मैं रोटी बनाऊंगा तेरा तू ऐसा। अरे बाप रे बाप, रंग रंग हट जाओ हट जाओ हट जाओ, एक्सीलेटर हटो, मैं कर लूंगी, हट जाओ हट जाओ। देखिए गाइस, हसनैन के अब्बा ने भारत का नक्शा ऐसे बना के चले गए, देखो मैं जा रही, मैं बनाती बाबा, मुझे बोलते हैं तेरी जब डिलीवरी होगी ना तो मैं तेरे को रोज रोटी बना के खिलाऊंगा भाई, आज डेमो देख ली उठ के मैं बना लूंगी, नहीं होगा तो चावल खाऊंगी, इनसे नहीं बनवाऊंगी। इतनी मोटी रोटी बेले हैं तुमने,